आज बाइक के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मेरे पास ये बैलून है। हम इस बैलून को अपना बाइक से फुलाएंगे, देखेंगे कि इस बैलून से बैलून बाइक फुला पाता है या किस तरह से फूलता है बैलून, कैसे इसको फुलाएंगे। उससे तो इतना बड़ा बैलून फुला नहीं जाता है, देखिए नहीं फूल रहा है। शायद छोटा वाला जो फूल जाएगा, छोटा वाला तो फूल जा रहा है, लेकिन हम इसको सभी को एक एक करके लगाएंगे और दिखाएंगे कि आपको साइलेंसर के साथ बैलून लगा के कैसे फुलाया जाता है और आखिर में ये फटता है कि नहीं वो भी देख लेंगे। तो चलिए जो छोटा बैलून है उसको लगाएंगे। साइलेंसर के साथ लगा देता हूँ, इसको टेप के साथ जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों अभी बैलून लगा दिया हूँ, अभी शुरू इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना फूलता है और आखिर में ये फट जाता है कि सही रहता है वो भी देख लेंगे। अभी तो बाइक को बंद कर देता हूँ, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों अभी वो बैलून तो फट गया है, अभी ये दूसरा बैलून भी लगाएंगे, उसके बाद ये बड़ा बैलून है इसको भी लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर में होता क्या है। तो चलिए इस बैलून को भी लगाता हूँ। इसको भी टेप मार देता हूँ ताकि ये निकल ना आए, अच्छी तरह से इसमें पकड़ के रहे, अच्छी तरह से टेप मार देता हूँ। दोस्तों देखिए ये वाला बैलून भी लगा दिया, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये भी फट गया है, आखिर में हम एक बड़ा बैलून जो है इसको भी चला के आपको दिखाएंगे कि आखिर इसको भी फटा पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करता हूँ, पहले बाइक को बंद करता हूँ, आप जो बड़ा बैलून है इसको चला के दिखाएंगे कि ये बैलून फूलता है और आखिर में इसको भी फटा पाता है कि नहीं। तो चलिए तो अभी इसको इधर साइलेंस के साथ लगा रहा हूँ और इसको थोड़ा टेप मार देता हूँ ताकि ये खोल के बाहर ना आ जाए, इसको खोल के बाहर ना आ जाए, इसको टेप मार देता हूँ, अच्छी तरह से टेप मार देता हूँ। ये बैलून थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको टेप मारना ज़रूरी है, और भी ज़्यादा टेप मार देता हूँ, अच्छी तरह से टेप मारता हूँ। तो फाइनली दोस्तों टेप लगा दिया हूँ, अब देखेंगे इसको चलाकर कि ज़्यादा बड़ा होता है और आखिर में ये भी फट जाता है दूसरा बैलून की तरह या ये टिका रहता है, देखता हूँ इसको। अभी बाइक स्टार्ट करेंगे, चलिए। सो गाइस अभी बाइक को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर दिया, अभी चालू करेंगे और ये जो बड़ा बैलून है इसको अब देखेंगे कि ये कितना तक खुलता है।
तो फाइनली दोस्तों ये भी फट गया है और आपने देखा है कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना रहेगी, अगर आपको अच्छा लगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको दिखा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना था कि